व्हाट इज लिविंग, यानी कि सजीवों के क्या क्या कैरेक्टर्स है, यानी कि सजीवों के गुण। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सजीव जिस किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलेंगे हम लोग। तो सजीव उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जीव होता है। यानी कि जीव मतलब क्या चीज कि जो क्या करता हो, खाता पीता हो, उठता बैठता हो, उड़ता हो, चलता हो, यानी कि जो भी क्या है क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं, इनका पालन करती है कौन भाई, सजीव करता है, लिविंग थिंग्स करता है। तो कुछ ऐसे भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि जो है रेल जो है वो क्या करती है, पटरियां पर दौड़ती है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको क्या कहते हैं, सजीव नहीं कहते हैं। हमारे जो एरोप्लेन क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं हवा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव नहीं कहते हैं। तो ऐसा क्या कैरेक्टर्स है, ऐसा क्या कॉमन फीचर्स है, क्या जो विशेषता है सजीव का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या कहते हैं, दर्जा देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सजीवों के प्रमुख कैरेक्टर्स में क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कोई भी लिविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर्स है, पहला कैरेक्टर्स क्या है भाई, पहला कैरेक्टर्स है सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय संरचना। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव। अगर सजीव है तो उसमें क्या होगा, जीव द्रव होगा। तीसरा है हमारा न्यूट्रिशन, वो क्या करता होगा, पोषण करता होगा। अगला है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सजीवों में क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया है, प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है, कुछ निर्माणात्मक चीजें बनती है और कुछ विनाशात्मक चीजें बनती है। मतलब कि हमारे शरीर में या लिविंग थिंग्स में क्या होता है, कुछ एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, उस जीवधारी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो यूजफुल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और दूसरा जो है, जो कि क्या होता है, विनाशात्मक प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। अगला हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, वृद्धि तथा विकास। उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि तथा विकास होता है। सजीव क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दैट मीन्स लोकोमोशन होता है, उसमें डाइजेशन होता है, यानी कि क्या होता है, पाचन होता है, सर्कुलेशन होता है, यानी कि परिवहन होता है, यानी कि जीव शरीर में क्या होता है, कोई भी जो है क्या चीज, रॉ मेटेरियल्स बनते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम लोगों में अगर मानव की बात करें तो जीव जंतुओं में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, वह किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, जिसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगर हम लोग संवहन की बात करें जल में, सॉरी ये पौधों में, तो पौधों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिवहन होता है। अगला है प्रजनन, यानी कि सभी सजीवों में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। सेंसिटिविटी, ये पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, सजग होते हैं। जैसा पर्यावरण रहेगा वो उस माहौल में क्या कर जाएगा, ढल जाएगा भाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। पर्यावरण के प्रति ढल जाना ही संवेदनशीलता कहलाता है। आगे हमारा डेथ, डेथ या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, जो कि सभी सजीव को क्या करना होता है, इस गुणधर्म या इस कैरेक्टर्स का पालन करना होता है। तो ये सारे के सारे जो है क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीजन, डेथ, सेंसिटिविटी, ये सारे के सारे क्या है, सजीवों के मुख्य कैरेक्टर्स है, जो कि सभी सजीव क्या करते हैं, इन इन सभी सजीवों में क्या होता है, ये सारा जो है कैरेक्टर्स क्या होता है, पाया जाता है।